रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप आज मैं बना रही हूँ एक मज़ेदार सी रेसिपी, अगर आपको कुछ पकाने के लिए समझ ना आए तो ये रेसिपी बनाएं झटपट और मज़ेदार। तो अगर आपके घर में जैसे आलू तो हर घर में मौजूद होते हैं, तो यहाँ पर जो है मैंने 5 आलू ले लिए हैं, उनको कर लिया है बॉयल। ये देखें बिल्कुल नरम और टूट रही है, मैंने बॉयल कर लिया है। 3 यहाँ पर मैंने टमाटर लिए हैं, 2 लीमू और 4 हरी मिर्चें। यहाँ पर मैंने लिया प्याज, जिन्हें बारीक बारीक काट लिया है। तो अब हम इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल, उसके अंदर हमने डालना है आलू को, और आलू को कर देना है मैश अच्छी तरह से। तो यहाँ पे मैंने मैश कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने आलू को कर लिया है मैश अच्छी तरह से। अब हम इसमें डालेंगे मसाले सारे। 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, 1 चम्मच ही डालेंगे लाल मिर्चें, थोड़ी सी हाफ चम्मच जितनी हल्दी, 1/2 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1/2 चम्मच या गरम मसाले का पाउडर लिया मैंने, 1/2 चम्मच इसमें मैंने अजवाइन डाली है। अजवाइन की जो खुशबू है वो खाने में बहुत ज़बरदस्त आती है। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर ये अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम बनाते हैं इसका मसाला। तो सबसे पहले हमने लेनी है एक देगची। यहाँ पर मैंने देगची ले ली है। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने डालना है ऑयल। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये और जल्दी से भी बन जाती है। तो मैंने यहाँ पर डाली है ऑयल। 1/2 चम्मच इसके अंदर मैं ज़ीरा डाल दूंगी। ज़ीरा यहाँ पर ब्राउन हो गया। अब मैंने इसमें डाल दिया प्याज। प्याज को हमने सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने लिया लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दी। इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। थोड़ा सा इसमें साबुत धनिया डाल देंगे। टमाटर को मैंने बारीक काट लिया, ये देखिए इस तरह से छोटा छोटा सा, और हरी मिर्चें भी काट ली है। अब हमने ये डाल देनी है इसके अंदर। मसाले जो हैं आप चाहें तो मसाला जो है आलू में ऐड ना करें, आप जो है मसाले में भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। मैंने जो है डायरेक्ट वो आलू के अंदर ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो आलू में ऐड ना करें, मसाले में भी ऐड कर सकते हैं। तो टमाटर को हमने थोड़ा सा गला लेना है। यहाँ पर टमाटर जो है अच्छी तरह से गल गए हैं। अब ये आलू को जो हमने मैश किया था मसाले के साथ, ये अब हम इसमें शामिल कर देंगे सारा। इस तरह से इसे मैंने शामिल कर दिया और इसे अच्छे से हमने कर दिया है मिक्स। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर देना है। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से बनता है ये रेसिपी, और इसका टेस्ट भी ज़रा थोड़ा खट्टा खट्टा सा होता है, मज़ेदार। खाने में भी मज़ा आता है, पराठों के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है इसका टेस्ट। तो आप जो है ट्राई ज़रूर कीजिएगा रेसिपी को। अब हमने इसे थोड़ा सा पकने देना है कि ये अच्छे से फ्राई हो जाए इसके अंदर। यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, देखें बड़ा बेहतरीन किस्म का। तो अब जो है यहाँ पर मैंने लिया थोड़ी सी सूखी हुई मेथी। मेथी की खुशबू जो है बहुत ही ज़बरदस्त आती है पकने के बाद, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो आलू की जो कतलियाँ बनाते हैं उसमें भी डालते हैं। और अब मैं इसमें 1 लीमू निचोड़ दूँगी। ज़बरदस्त माशाल्लाह लग रहा है। यहाँ पर मैंने 3-4 दाने जो है इमली के भिगो दिए थे। तो अभी हम ये पानी समेत इसमें डाल देंगे। यहाँ पर मज़ेदार आलू का ये भरता टाइप रेसिपी तैयार है हमारी। बहुत ही यमी और मज़ेदार माशाल्लाह बना है। इस पर अब हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। ये देखिए वीडियो अगर मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।